मनुष्य जो भोग भोग चुका है उसके तरफ बार 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 जाता है, अतीत के तरफ मन जाता है। जो भोगे नहीं हैं उसके तरफ मन जाता है, माने भविष्य में। कोई आदमी घर बना लिया, मकान बना लिया, गाड़ी रख लिया, उसको भोगता है, उसे सुख नहीं होता है। कहता है कि नहीं, इससे और बालिशान बिल्डिंग बन जाए, और बड़ी गाड़ी रख लें, और जो है हमारी बड़ी पद पैसा प्रतिष्ठा बढ़े। अब भविष्य में भोगने की इच्छा करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं जो भूत के भोग, जो अतीत के भोग बीत गए हैं उसकी पुनरुक्ति बार बार भोगने की इच्छा ना हो, तथा भविष्य के जो भोग हैं उसके भी इच्छा ना हो। आदमी जो है इसी द्वंद के बीच में जोड़ता है, जो बीत गया है उसको पुनरुक्ति करना चाहता है, जो नहीं भोगा है भविष्य में है उसकी आकांक्षाएं करता है, यह हो जाए, वह हो जाए, यह मिल जाए, वह मिल जाए। इसी दो के बीच में आदमी जो है डोलते रहता है। कोई नेता मान लो कुछ नहीं है, चाहता कि विधायक बन जाए, विधायक बनता है तो कहा मंत्री बन जाए, मंत्री बनने की इच्छा होती है तो चाहता कि मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बनता है तो कहता प्रधानमंत्री बन जाए। यह भविष्य की इच्छाएं भोग जो है उसकी तरफ चलती है, ये सब भोग ही है। और जो भोग भोग चुका है उसके तरफ भी डोलता है, यह खुशी था या छोटा या। तो यह अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह मन जो है दो ही के बीच में द्वंद में डोलता है, दो पाटन के बीच में साबित बचानक हो। दो पाठ है ना, दो के बीच से जो अतीत और भविष्य के बारे में हम सोचते हैं नहीं सुख। कहते हैं अष्टावक्र जी की अब यह वासना जो है इन्हीं दो पाटों के बीच में घूम रहा है, ऐसे मनुष्य खोजना मुश्किल है जो दो पाटों के बीच से साबुत बच जाए। कृष्ण भगवान तो कहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से एक मनुष्य होगा जो अपने अंतःकरण की शुद्धि का ख्याल करता हो। जो ऐसे मनुष्य शुद्धि का ख्याल या प्रयास करता है उस लाखों में से एक होगा जो अपने आत्मा के प्रति सजग है, आत्मा जानने के प्रति सजग है। उसी को यहां कह रहे हैं कि दो पांटों के भी साबुत बच जाए बहुत मुश्किल है। जो भोग लिया तुम सोचो उसमें क्या मिला है, जो भोग भोग लिया क्या मिला है, दुख मिला है, केवल दुख मिला है। जो तू भोगना चाहते हो वह दुख मिला है। राहुल पूर्व जन्म में एक सृष्टि का लड़का था, अब कहेगा कि अच्छा सृष्टि माने सेठ का राजगीर। इसके पिताजी लेने के लिए एक दिन चले गए भगवान महावीर से प्रवचन सुनने के लिए। प्रवचन सुन लिया, सुबह जो है 4 बजे उठकर चला गया भगवान महावीर से, कहा कि हमको अब संन्यास दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। कहा गरे बच्चा तू माँ बाप का अकेले है, ऐसा क्यों करेगा, नहीं अब हम लेंगे बहुत त्यागी। समझाए बुझाए नहीं माना, दे दिया। असृष्टि दौड़ कर आया कि यह क्या किए, बूढ़ा हम है, दाढ़ी बाल सफ़ेद है, हमको लेना चाहिए, इसको क्यों दिए। कहा कि तुम नहीं लिया तो ही ले लिया, पहले जो दे दिया जाता था लोग ले या नहीं जाते, अभी तक तुम लोग संन्यास का मजाक बना दिया कि नहीं गुरु जी अब हम साल भर 2 साल के रह गए अब जा रहे हैं। वो इकलौता नहीं रह गया, अब ठीक। भगवान महावीर के साथ 30,000 चलते थे लोग ना, 10,000 शिष्य, 30,000 शिष्य आए, कहाँ इतना बड़ा धर्मशाला मिलेगा। बुद्ध और महावीर बागीचे में सोते थे, बाहर लोग सोते थे, मसहरी नहीं मिलती थी। सब श्रेष्ठ जन सो गए, अब नए नए लड़कों को कहाँ दिया जाएगा। जो 2 आदमी सन्यासी सोए हैं, साधु सोए हैं, उसके बीच के कॉरिडोर में सो गया। कोई बूढ़ा उठता जाता जाएगा ना, तो इस लात पड़ता देह पर, कपार पर, नाक पर, दिया बात नहीं थी। नीचे से मच्छर काटते, चीटा काटेंगे ना, चीटा चिट्टी, नीचे से चीटा चुट्टी काटते, ऊपर से मच्छर काटते, रात भर हाँकता रहा,
बूढ़े लोग खाँकते रहे, जाते रहे, नींद नहीं लगी। जाड़ा का दिन था, भगवान महावीर धूप ले रहे थे, जाकर खड़ा हो गया। भगवान महावीर कहे, क्या कुछ कहना है? तो हाँ, लाजवश कहना है तो कहो। भगवान हमसे अब संन्यास नहीं होगा। बड़ा कठिन है। कहा कि यह तो पुनरुक्ति तुम्हारे पिछले भी जन्मों से चल रही है बच्चा, कुछ अपने बारे में सुन लेगा, जान लेगा, दिखा दें या बता दें। कहा बता ही दीजिए। कहा कि पीछे तुम इस राजगीर के जंगल में हाथी था, जंगल में आग लगा। आग लगती है ना, सब हाथ सब पशु जानवर भागे, तुम भी भागा। जब भागा तो तुम जंगल के बाहर खड़ा हो गया, कान खजुलाने लगा था, अपना एक पैर उठाया, दाहिना पैर उठाया आगे का कान खजुलाने के लिए कान से। फिर जब पैर रखने के देखा तो नीचे आकर एक खरगोश उस खाली जगह पर बैठ गया। नीचे देखा कि पैर अब हटाएंगे तो खरगोश ही तो बैठ गया, मर जाएगा। करुणा बस तू पैर नीचे हटाया रखा नहीं। 3 दिन के बाद, 3 दिन 3 पैर पर खड़ा रहा भूखे प्यासे। 3 दिन के बाद जब जंगल का जाग साफ हुआ, पैर हटाना चाह रखना चाह रखा नहीं, गिरा और मर गया। इसी के परिणाम से तुम सिठ के सृष्टि के यहां जन्म लिया। लेकिन तुम्हारी त्याग जो है, फिर जो है वासना दौड़ेगी, किसी जो सन्यासिनी रह रही है किसी के साथ भागेगा, फिर उसके साथ भी दुख रखेगा, दुखी होगा, एक जन्म जाएगा, फिर तो लेकर फिर किसी आश्रम में जाएगा। तो यह जो है भूत का, अतीत का जो हम भोग चुके हैं सुख, उसका जो नहीं भोगे हैं उसमें मन तो इसी में डोलता है ना। अष्टावक्र जी यही कहते हैं कि यह दोनों से मुक्त हो जाओ। जब तक इस दोनों से मुक्त नहीं होता है तब मोक्ष कहाँ। कहते हैं कि जो भोगे हुए भोग में आसक्त नहीं होता, अभोगे हुए पदार्थों में जिसकी आकांक्षा नहीं होती है, ऐसे पुरुष जो है स्वतः मुक्त हो जाता है, दुर्लभ होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे समझ लो, राजा धृतराष्ट्र जो थे भोग भोग रहे थे, सुखी थे, लेकिन जो नहीं भोगे थे, पांडवों का राज भी भोगना चाहते थे, उसको भी हड़प लिए। अब चाहते थे कि पांडव लोग लौटे ना, जंगल में रह जाएं, उनका भी हम भोग भोगें। धृतराष्ट्र का था ना इच्छा, तो यह इच्छा क्या किया, अपना भी गंवाया, सारे लड़के गंवाए। अब जब उपदेश सुने वेद व्यास का कि तपस्या करो, वृद्धावस्था में तपस्या करो, तपस्या करने चले कि चलो अब हम तपस्या के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, फिर एक मोक्ष की लालसा हो गई, स्वर्ग की लालसा हो गई, चले गए जंगल में। और जंगल में अपने थे, पत्नी भी आंख बंधी हुई कुंती थी, जंगल में आग लगा, सब जल गए, छटपट छटपट चल गए, आकांक्षाएं यही करती है, जल गए। तो यह जो हम कहते हैं भीष्म पितामह को देखते हो कि इतने बड़े ब्रह्मचारी, इतने बड़े विद्वान और इतना बड़ा शक्तिशाली भूतों ने भविष्य थी, एक आकांक्षा इनकी भी जग गई, मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। क्या करेगा, क्यों आकांक्षा जगा रहा है?
और जिनको ये पाले गोद में खिलाए, उसका लड़का उसको भी खिलाए, उसका लड़का उसको भी खिलाए, लड़का का लड़का का लड़का अर्जुन उसको भी खिलाए पढ़ाए लिखाए। और अर्जुन ने बाण मारा, बाण साया पर विश्राम किए, रक्त फेंकते हुए विश्राम। आकांक्षाएं हमारी जब बढ़ती है तो यही होता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं किस लिए आकांक्षा रखता है, भूत का और वर्तमान का, आकांक्षाओं को गिरा दो। मनुष्यों में जो कुछ भी अंतःकरण में शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं अंतःकरण के शुद्धि के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें से बिरला ही कोई आत्मा को यथार्थ को समझता है। अतः गुरु के शरण में जाकर के आहार विहार, आहार निद्रा भय मैथुनश्च, यह बहुत पहले कहा गया, आहार भोजन और निद्रा सोता है खाना आप सोना, आहार निद्रा, फिर भय होगा और मैथुन सेक्स। आजकल के जितने इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं समाज के, देखते हैं हम इस चारों को, जो शास्त्र पहले हमारा कह चुका है कि पशु नाम प्रवीणा, पशु भी प्रवीण है, तुम पशु की तरह क्यों बने हो, आज इसी पशुता को हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग क्या कहते हैं, यह नेचुरल है, इसमें कोई दोष नहीं, नेचुरल है, नियंत्रण में। और तथा कथित इंटेलेक्चुअल केवल जो है दिमाग से काम करता है, मस्तिष्क से, तर्कवादी होता है, इसलिए उनके यहां आहार विहार भय और मैथुन ये चारों व्याप्त रहता है, जिसके कारण बड़े चिंतित है। और इसी यही कारण है कि ये इस नेचुरल में भोग में से तृप्ति नहीं हो पाते हैं, अतृप्त रहते हैं, और उस अतृप्ति में आत्महत्याएं होती है, फिर प्रेत बनते हैं, फिर चूंकि यही भोग की कामनाएं लेकर जाते हैं, पुनः वह जन्म पूरी आकांक्षा के साथ जोड़ लेते हैं, फिर उसी में जन्म। जन्म का कारण कुछ नहीं है, जन्म की कारण आकांक्षाएं, भोग की आकांक्षा लेकर मरते हैं, पुनः भोग के लिए उसी शरीर तैयार हो जाती है, चाहे पशु की हो, पक्षी को, आदमी की हो, पशु तैयार हो जाते, फिर वो भोग में चले जाते हैं। तो यही जनक यहां पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस आकांक्षा को परित्याग कर दो। यदि तू परित्याग कर देता है आकांक्षा को, तब कहते हैं कि ऐसे पुरुष संसार में दुर्लभ है, तुम दुर्लभ, और मुक्ति स्वतः तुम्हें अपने वरण करेगी, तुझे मुक्त कोई जरूरत नहीं है, जिनते तू स्वतः मुक्त हो जाएगा।